अपने वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हासिल करने वाले गुरुग्राम के बॉडी बिल्डर बॉबी कटारिया अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। लाइक्स और व्यूज बटोरने की चाहत में बॉबी कुछ ऐसा कर बैठे कि अब उन्हें जेल जाने का डर है और वो गिरफ्तारी से बचते हुए भाग रहे हैं। बॉबी किस मुसीबत में है और क्यों है, ये जानने से पहले उनके नए वीडियो जरूर देख लीजिए। एक वीडियो में बॉबी कटारिया विमान के अंदर सीटों पर शांत से लेटकर सिगरेट के कश लगाता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी वीडियो में बॉबी सड़क पर शराब पीता हुआ दिख रहा है। विमान के अंदर का वीडियो सुरक्षा के साथ बड़ी चूक है। विमान में लाइटर से सिगरेट जलाकर फूंक रहे बॉबी ने जाने अनजाने कई यात्रियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता का विषय ये है कि आखिर बॉबी विमान के अंदर लाइटर और सिगरेट ले जाने में कामयाब कैसे रहा। विमान के अंदर कई यात्री भी मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि विमान का स्टाफ भी अंदर ही होगा, लेकिन उसके बावजूद किसी ने बॉबी को रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। उत्तराखंड के विधायक उमेश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करके लिखा, इस देश में एयरपोर्ट पर सुरक्षा का हाल ये है, अमित शाह जी ये व्यक्ति सरेआम देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, कितनी चूक है सुरक्षा में ये कारनामा। बॉबी के वीडियो ने उड्डयन मंत्रालय में भी खलबली मचा दी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरा वीडियो उत्तराखंड का बताया जा रहा है। उत्तराखंड में एक सड़क के बीचों बीच खुलेआम बॉबी कटारिया शराब के पैक बना रहा है। यहाँ भी किसी ने बॉबी को रोकने का प्रयास नहीं किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उत्तराखंड के डीजीपी ने संज्ञान लेकर FIR दर्ज करने के आदेश दे डाले। खुद को घिरता देख बॉबी कटारिया फिलहाल अंडरग्राउंड है, लेकिन उसने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई भी दी है। बॉबी ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, सुनिए। काफी लोगों ने मेरी कुछ झूठी वीडियोस लेकर के और इधर उधर जानबूझ करके, कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को फंसाना, तो ऐसा लोगों ने कर रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिगरेट पी रहा है एरोप्लेन में, तो भाई मैं पहले बता दूँ तू, ये मेरी बायोपिक का एक शूट का हिस्सा है, प्लीज़ कृपया करके इसको गलत ना लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर ये रियलिटी है तो मेरे पास लाइटर कैसे पहुँचा एरोप्लेन में, सिक्योरिटी ने मेरा चेक क्यों नहीं किया। वैसे फिलहाल ये डमी एरोप्लेन है जिसका मेरी बायोपिक से लेना देना है। और दूसरी चीज़ जो वीडियो बताई जा रही है कि दारू पीते हुए ये है वो है, जिसके खिलाफ़ मेरे ऊपर FIR भी हो चुकी है ऑलरेडी। ये पता नहीं कब की वीडियो कहाँ से उठा करके डाल देते हैं लोग, पता नहीं कौन सी जगह की कौन सी स्टेट की। अब उत्तराखंड पुलिस ने मेरे ऊपर FIR कर दी है फिलहाल, तो चलो कोई बात नहीं, हम प्रशासन के साथ हैं और प्रशासन के साथ मिल करके ही कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद साथियों, ये जो चीज़ें हैं ये शूट की हैं, ऑलरेडी जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, ऑलरेडी पहले भी 7 केसेस हैं, एक और सही, 5 में इन्वेस्टिगेशन चालू है, चलो एक और सही, कोई दिक्कत नहीं है। बॉबी कटारिया को ढूंढते हुए और उसका पक्ष जानने जब हमारी टीम उसके घर पहुंची तो वहां भी वह नहीं मिला। उसके भाई से हमारी मुलाकात हुई लेकिन उसने किसी भी तरह की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें बॉबी कटारिया एक प्लेन के अंदर सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को लेकर के हमारी टीम जो है वो गुड़गांव में पहुंची। गुड़गांव के बसई गांव के अंदर हम पहुंचे हुए हैं। देखिए बॉबी कटारिया का घर है, हालांकि फिलहाल बॉबी कटारिया यहां पे नहीं है, किसी काम से जो है वो बाहर गए हैं। लेकिन बॉबी कटारिया से जब हमने पूरे इस मामले को लेकर के बात करी तो बॉबी कटारिया ने जो है अपने उसमें बयानों में हमें साफ किया था कि कहीं ना कहीं ये एक फिल्म की शूटिंग का जो है वो सीन था। हालांकि जो उनके कई विरोधी हैं उन लोगों ने जो है वो एक प्रोपगंडा तहत जो है वो इस वीडियो को वायरल करा, और इसके बावजूद जो है वो बॉबी कटारिया की जो है वो छवि खराब करने की उन्होंने जो है वो कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं इस समय फिलहाल बॉबी कटारिया हालांकि यहाँ पे नहीं है लेकिन उनके भाई हैं। एक बार हम उनके भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा क्या मामला था और क्या पता लगा, एक बार बता दीजिए कि क्या मामला था। मेरे को नहीं पता, जब मेरे को नहीं पता, वीडियो वायरल हो रही है भाई वो अभी है नहीं घर में, जब आ जाएंगे जब आप बात करना, ठीक है। हाँ, बात हुई हमारी, उन्होंने हमें मैसेज दिया है कि वो एक कोई फिल्म वगैरह की शूटिंग कर रहे थे, उसका वीडियो था वो। कोई नहीं, वो मेरे को नहीं पता उनका। हाँ।
मेरे को नहीं पता भाई इस चीज़ के बारे में। ये हालांकि उनके ये बॉबी कटारिया के भाई हैं, लेकिन इनको जो है वो पूरी हकीकत फिलहाल नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से हमने बॉबी कटारिया से बात करी तो बॉबी कटारिया ने जो है वो अपने बयानों में साफ कहा है कि एक फिल्म की शूटिंग थी, उस दौरान जो है कि ये डमी प्लेन था जिसमें बैठ करके ये फिल्म का शूट होना था, इनकी जो एक वेब सीरीज आ रही होगी कोई उसको लेकर के इन्होंने शूट किया था, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है इसके बावजूद कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इस पूरे मामले को लेकर के हरकत में आ गया है, और प्रशासन जिस तरीके से लगातार ये वीडियो जो है वो ट्वीट किया जा रहा है इसको लेकर के कहीं ना कहीं बॉबी कटारिया की जो है वो उलझने बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि बॉबी कटारिया ने इस वीडियो पर पूरे तरीके से अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि आखिर क्या इस वीडियो की हकीकत थी और क्या इस वीडियो की जो है वो किस कारण से ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ। फिलहाल जो है वो इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है, देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इसमें क्या कुछ सच्चाई निकल करके सामने आती है। गुरुग्राम से अनिल राठी, पंजाब के सिटी। ऐसा नहीं है कि बॉबी कटारिया पहली बार विवादों में आया हो, करीब 4 साल पहले भी बॉबी कटारिया गुरुग्राम पुलिस को गालियां देकर विवादों में घिर चुका है, तब उसे जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन अब नए वीडियो उसकी गले की फांस बनते जा रहे हैं। क्या बॉबी फिर से जेल जाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।